उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ और बाहर शोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेंटर जो होता है वो साथ वाले घर में पढ़ने वाला है और जिसको शोर ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से मेरी आवाज़ शायद आपको थोड़ी थोड़ी ख़राब आए। चलता रहता कोई बात नहीं। देखें ये हो रहा है, वो काम बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला काम है माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा काम होगा। अभी हम अंदर जाते हैं। मामा लोग जो उनसे हैं वो पुप्पो घर चले गए हैं क्योंकि उनके घर महफिल थी। मैं अकेला इधर हूँ क्योंकि घर में कोई और नहीं है, मेरा छोटा भाई भी नहीं है, जिस वजह से मैं इधर बैठ बैठ कर बहुत ज़्यादा बोर होता जा रहा हूँ और लेट जाते हैं। गाइस अभी जो है ना मैं घर में अकेला हूँ, मेरा भाई भी छोटा नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो है ना इधर सोफे पर बैठ कर मोबाइल ही देखने लगा हूँ। मोबाइल सबर खत्म हो गया क्योंकि महफिल अब खत्म होने लगी है और मैं अभी जाने लगा हूँ अकेले ही। मैं पहले तो मैं ये सोच रहा था कि अली हसन को साथ लेकर जाता हूँ, लेकिन अली हसन उड़िए, अली हसन देखें शहजादा, अभी ये देखें पीछे क्या क्या लगा हुआ है और ये आ गया। अभी हम जाते हैं, जूता पहनते हैं, चले चलते हैं। गाइस मैंने सुना है कि जो सी महफिल है ना वो बहुत मोहल्ले की बहुत बड़ी महफिल होने लगी है और ये देखे पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है जिनों की तरह। गाइस जाते सारे इधर से मुझे खाना मिल गया, खाना ले लिया मैंने, खाना खा के मैं जो सा ना अभी जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई थी इधर, तो खुदा के आवाम थी। कैरी डब है और साथ ही इसके जो सी है ना ये एक मशीन लगी हुई है पट्ठे कुतरने की, और ये जोन्स है ना सबसे अच्छी जोन्स इनकी चीज़ है ना ये मैली, मैली नाम इनका रखा हुआ है इस बैल बिछड़े का, बहुत प्यारा। अम्ब ने अम्ब लिया हुआ है, पता नहीं कैसे खा रहा है जंगलियों की तरह। ये मुझसे चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझसे बैठ के बैट बॉल का मैच जीत कर खाओ, तो अम्ब खा लिए फिर इसके साथ मैच लगाते हैं और इसको बताते हैं कि कौन बड़ा प्लेयर है। राउंड है, चारपाई उठाने वाली रह गई है बस, और फिर एक कनाल की जगह पर हमारा और मेरा और मेरे भाई का एक कनाल नहीं है ये डेढ़ कनाल है। वो देखे हम अभी भी चूस चूस कर खाई जा रहा है और इधर लग रहे हैं, और ये कल वाले गुब्बारे जहाँ से हमने बलून पार्टी की थी और ये इधर ही पड़े हुए हैं। इसको इतनी मार पड़ी थी, वो मैंने ब्लॉग तो बनाया था लेकिन पता नहीं कैसे करके डिलीट हो गया। आइंदा दिन मैं फिर आपको वही ब्लॉग बना कर दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी इधर मैच स्टार्ट होने लगा, इससे पहले मैं हमेशा वार्म अप करता हूँ और फुटबॉल पाँच मिनट फुटबॉल खेले, क्योंकि ये सेहत के लिए और वार्म अप बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वार्म अप राउंड है, चारपाई उठाने वाली रह गई है बस, और फिर एक कनाल की जगह पर हमारा और मेरे भाई का एक कनाल नहीं है ये डेढ़ कनाल है। वो देखे हम अभी भी चूस चूस कर खाई जा रहा है और इधर लग रहे हैं, और ये कल वाले गुब्बारे जहाँ से हमने बलून पार्टी की थी और ये इधर ही पड़े हुए हैं। इसको इतनी मार पड़ी थी, वो मैंने ब्लॉग तो बनाया था लेकिन पता नहीं कैसे करके डिलीट हो गया। आइंदा दिन मैं फिर आपको वही ब्लॉग बना कर दूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी इधर मैच स्टार्ट होने लगा, तकरीबन हो गया, लेकिन अब चारपाई उठाते हैं, चारपाई उठा लिया और इस बॉल को पीछे करते हैं और चलो हटेल। हमने टॉस तो कर लिया लेकिन बाद में पता चला कि अब बॉल ही हमारे पास नहीं है, सबसे पहले बॉल ढूंढना होगा और फिर मैच लगेगा, पहले बॉल ढूंढते हैं। पीछे से रोशनी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पिच बनानी है, ये वाली जगह देख लें, धूप सारी निकली हुई है, बहुत ज़्यादा सूरज है। वो बैठा हुआ है, हम उसको निकालते हैं और इसको छोड़ कर आते हैं।
गाइज यहाँ पर हम अपनी पिच बनाएंगे। जो उनसे सरफेस है वो थोड़ी सारी मजबूत है, जिसकी वजह से हमने ये वाली चीज़ जिसको हमारी ज़ुबान में कई बोलते हैं ये लिया। ये हम इसे हम खुडा खोलेंगे और जो मिट्टी बच जाएगी उसके ऊपर ये जो उनसी चीज़ है इसका नाम भी मुझे नहीं आता ये फेर देंगे, जिसकी वजह से जो उनसी सरफेस है वो प्लेन हो जाए। और चले काम शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम जो है ना वो सीधी लाइन लगाएंगे और फिर हम अंदर से जो है वो मिट्टी जो है वो खोद देंगे और फिर आपके बाद जो है काम करके मिलते हैं। गाइस इतनी इतनी बना लिया हमने बीज बीज से, हमने थोड़ी सारी छोड़ी है वो हम सुबह कर लेंगे। अभी इतनी धूप निकली हुई है मुझसे काम भी नहीं किया जा रहा, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इतनी सारी बना ली है और अभी घर चलते हैं और बाकी कल बनाएंगे। अभी मैं घर जा रहा हूँ और सुबह का हम खेल रहे थे और मैंने व्लॉग भी बनाया जिस वजह से मैं थक गया था। बहरहाल हम अभी घर जाते हैं और फिर घर जाकर आराम के साथ एक दो घंटा सो लेते हैं या फिर टीवी देख लेते हैं। गाइस यहाँ तक था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।